आप सभी का सादर अभिवादन। काफी दिनों बाद फिर आपसे रूबरू हूं एक विषय को लेकर जो भारतीय न्याय व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, सुपर सेशन ऑफ द जजेस। ये हिंदुस्तान के न्याय के इतिहास में कितनी बार हुआ है, हम उस पर बात करेंगे थोड़ी सी। और उसके पहले एक आप लोगों के लिए कि सभी लोग, हम लोग जो लोग बैठे हैं वो अपने हाथ को सैनिटाइज करते रहें लगातार, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कोशिश करें, क्योंकि हमारी जागरूकता ही हमारा बचाव है। और हम आप सभी इस देश के लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए बहुत कीमती लोग हैं, अपनी कीमत को पहचानें। मामला, मैं जस्टिस हंसराज खन्ना के बारे में बात करना चाहता था, लेकिन जब हम जस्टिस हंसराज खन्ना और हेबियस कार्पस केस या ईडीएम जबलपुर वर्सेस शिवाकांत केस के बारे में चर्चा करते हैं, इमरजेंसी की चर्चा करते हैं, मीसा कानून की, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट कानून की चर्चा करते हैं, जिसके अंतर्गत सारे लोग बंद हुए और इमरजेंसी में मिसेस गांधी ने जिस तरह से सारे नेताओं को बंद किया, और उसमें से एक ऐसा ताकतवर आदमी उभरता है इंडियन जुडिशरी में जिनका नाम है हंसराज खन्ना, जस्टिस हंसराज खन्ना। और मैं तो क्या, जस्टिस हंसराज खन्ना ने जो एक जजमेंट दिया था, डिसेंट जजमेंट उनको उसको बोलते हैं, कि वो अकेले एक आदमी थे पांच जजेस की बेंच में, तो वो है भी स्कॉर्पियस केस है। लेकिन वो याद भी दिला दूं कि राजेश खन्ना को तो बहुत जानते हैं, लेकिन हमारे समाज को जरूरत है कि हम हंसराज खन्ना को जानें, और जस्टिस एचआर खन्ना को देखते हुए, उनको समझते हुए हम अपने जीवन में आगे बढ़ें, शायद राष्ट्र की हम सेवा कर सकते हैं। जब मैं बात करता हूं तो एक निगाह जाती है सुपरसेशन के मामले को देखते हुए, कि भारत आज़ाद हुआ और फेडरल कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट की जगह फेडरल कोर्ट काम कर रहा था, क्योंकि 47 में हम आज़ाद हुए और 26 नवंबर 1949 को संविधान बना और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो जब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो वही फेडरल कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में कन्वर्ट हुई, और हीरालाल जे कानिया जो लास्ट चीफ जस्टिस फेडरल कोर्ट थे वो फर्स्ट चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हुए, और 51 में उनकी मृत्यु हो जाती है। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने एक ऐसी चीज सामने आती है कि साहब अगर सीनियरिटी से बनाते हैं नेक्स्ट मैन को, तो पतंजलि शास्त्री को बनाना पड़ेगा, और पतंजलि शास्त्री को नेहरू जी ऐसे कंसीडर करते थे एक वीक जज के रूप में, कमजोर जज के रूप में, और उस हाई ऑफिस को होल्ड करने के लिए, और जो भारत की स्थिति चल रही थी उसमें पंडित नेहरू की पसंद ऐसी थी। बाद में इसको इन्होंने एमसीसी तलवाड़ साहब ने, जो फर्स्ट अटॉर्नी जनरल थे, तो उन्होंने सजेस्ट किया पंडित नेहरू को कि नहीं साहब, आप चीफ जस्टिस मुंबई हाई कोर्ट एमसी छागला साहब को, जस्टिस एमसी छागला को, जो एक ब्रिलियंट जज थे, उनको आप बनाएं। और ये कह के एमसीसी तलवाड़ इंग्लैंड चले गए, और इन्होंने, पंडित नेहरू ने ये मैसेज जब भेजा इनको, जस्टिस छागला को, एक और भी राजनीतिक उद्देश्य पूरा हो रहा था, क्योंकि छागला साहब मुस्लिम थे, तो पंडित नेहरू को लगा कि हम एक सेकुलर स्टेट को इस्टैब्लिश करने जा रहे हैं, तो एक बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा कि हमने चीफ जस्टिस के तौर पर जिसे पसंद किया, मतलब हिंदुस्तान में न्यायपालिका और सुप्रीम न्यायपालिका में सुप्रीम पोजिशन पे, सुप्रीम ऑफिस में जिस व्यक्ति को पसंद किया वो इस्लाम से संबंधित है। लेकिन एमसी छागला ने इसे मना कर दिया विनम्रता से, और एमसी छागला को शायद ये बात पता थी, जब हम लोग पढ़ते हैं ना कुछ किताबें, जैसे छागला साहब की अपनी ऑटोबायोग्राफी है द रोजेज इन दिसंबर, आप उसमें पढ़िए, और उसमें लगता है कि एक चीफ जस्टिस की जो कैपेसिटी होती है अपने कोर्ट में एज ए मास्टर ऑफ द रोस्टर, तो उसे ये बात पता रहती है कि किस केस को वो सुने, किस केस को किसी और को अलॉट करे। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब जजेस की आपस में नहीं बनती है, या वो प्यूनी जजेस होते हैं चीफ कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, तो ऐसी भी चीज़ें आई हैं जो अभी मैंने पढ़ी, कि एक बड़े जज को उस समय के चीफ जस्टिस ने कोई कॉन्स्टिट्यूशन बेंच अलॉट नहीं की,
नाम लेना ठीक नहीं है, मैं किताब का नाम बता दे रहा हूँ, सुप्रीम विस्पर में अभिनव चंचूड़ ने बड़े विस्तार से लिखा है। गॉड बायस के नोटिंग के आधार पर वो किताब लिखी गई है और जबरदस्त किताब है। तो पंडित नेहरू ने सबसे पहले ये कोशिश की थी कि पतंजलि शास्त्री को न बनाया जाए और उनको ऊपर सुपरसीड कराया जाए एमसी छागला को। एमसी छागला साहब ने इसको मना किया कि नहीं साहब, मैं ये नहीं करूंगा। और ये बात जानते ही कि एमसी छागला को लाना चाहते हैं पंडित नेहरू, न सिर्फ पतंजलि शास्त्री वरन उनके साथ के सारे जजेस ने इस तरह की बात की कि हम रिजाइन करेंगे। और पंडित नेहरू के लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई कि उनके प्राइम मिनिस्टरशिप में वो पहली बार आज़ाद हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री, और उनके यहाँ एक इंस्टीट्यूशन के अगर सारे जजेस, और वो भी सुप्रीम इंस्टीट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो बहुत गलत मैसेज जाता। तो पंडित नेहरू ने बचे उस काम को करने से। फिर भी वो पतंजलि शास्त्री को नहीं चाहते थे। अब एक दूसरी स्टोरी आती है और वो ये कहती है कि साहब बीके मुखर्जिया द सीनियर थर्ड सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एट दैट टाइम, उनको इन्होंने पसंद किया और उन्होंने कहा कि नहीं, ये इनकी एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी है और डिसीजन मेकिंग पावर बहुत स्ट्रांग है बीके मुखर्जिया साहब का, तो इन्हें हम करते हैं, इनको चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बनाते हैं और उसकी रिकमेंडेशन भेजते हैं उनके पास। और बीके मुखर्जिया साहब के पास भी जब ये मैसेज जाता है तो बीके मुखर्जिया ने कहा कि नहीं, हम अपने ब्रदर और सीनियर जस्टिस पतंजलि शास्त्री को सुपरसीड नहीं करेंगे। और फिर ये बात आई कि सुप्रीम कोर्ट में वो सारे जजेस ने कहा कि नहीं साहब, हम सब इस्तीफा देंगे। फिर और फिर एक बार नेहरू को उनको एक सिहरन सी आ गई और उनको लगा कि नहीं, ये काम तो ठीक नहीं है। अभी एक तीसरी स्टोरी फिर आती है, 1951 की ही बात है, और आप देखिए कि लेजिस्लेटिव का कंट्रोल ओवर द जुडिशरी ये शुरू कैसे हुआ, आगे कैसे बढ़ा और इसमें कैसे कैसे लोग शामिल थे, लेकिन तब क्या जुडिशरी कर रही थी और एन रे साहब के समय में 25 अप्रैल 1973 को इस जुडिशरी ने कैसे फंक्शन किया, इसी फर्क को, और बाद में जस्टिस हंसराज खन्ना ने कैसे किया, हम इसी बात की बात कर रहे हैं, करना चाहते हैं। तो तीसरा एक और इशू आता है 1951 में ही कि उसके बाद फोर्थ सीनियर मोस्ट जज एस आर दास को इन्होंने पसंद किया नेहरू ने, और बाद में लिखने में जो ऑथर है वो लिखता है, और तत्कालीन समय में नेहरू के बारे में ये कहा जाता है कि एट दैट टाइम नेहरू वांटेड द स्ट्रांग पीपल ऑन द सुपीरियर ऑफिसेस अनलाइक टू हिज डॉटर। मिसेस गांधी हमेशा सुपीरियर ऑफिसेस में कमजोर लोगों को बॉस चाहती थी, अधिकारी चाहती थी, चीफ जस्टिस चाहती थी, कमजोर थोड़ा। बट नेहरू चूंकि इंस्टीट्यूशन बिल्ड कर रहे थे और जुडिशरी को इस्टेब्लिश कर रहे थे, नए भारत का निर्माण कर रहे थे, तो नेहरू ने ये नहीं किया। उनको वो चाहते थे कि नहीं, हर उस ग्रेट ऑफिस में जो हिंदुस्तान में जाए, चीफ मिनिस्टर बने, गवर्नर हो, ये वाइस प्रेसिडेंट हो, प्रेसिडेंट हो, ये तक ऐसे लोग होने चाहिए जिनके पास एक विजन हो और वो बराबरी में रह के बात करें। तीसरा इशू आता है एस आर दास को, जो चितरंजन दास के चचेजात भाई होते हैं, और सी आर दास वॉज कंसिडर्ड एट द टाइम एंड स्टिल टूडे एज ए ग्रेट कांग्रेसमैन, ग्रेट कांग्रेस फिलोसफी बिलीवर। लेकिन एस आर दास ने भी मना किया और उन्होंने कहा कि नो, मैं नहीं सुपरसीड कर सकता। और फिर ये बात आई कि नहीं, सारे जजेस हैं वो इस्तीफा देंगे, और वहां से निकल के आया फिर पतंजलि शास्त्री और उसके बाद सारे लोग अपनी सीनियोरिटी से ही बने। लेकिन ये सीनियोरिटी एक बार फिर थ्रेट हुई, और वो थ्रेट मिसेस गांधी के समय में हुआ, जब कई जजमेंट ऐसे थे, इसके पहले के वीडियो में हमने बात की है कि कैसे 24, 25, 26वां संशोधन करके लगातार मिसेस गांधी सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स को डिनाई कर रही थी ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 368 का इस्तेमाल करके, और वो लगातार जो टसल चल रही थी कि नहीं, आर्टिकल 13 ज्यादा प्रभावी है कि 368 ज्यादा प्रभावी है। आरसी कूपर के केस में जब बैंकों के नेशनलाइजेशन को लेकर के आरसी कूपर साहब ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया और नानी पालकीवाला ने बहस की, आरसी कूपर के फेवर में फैसला आया और ये कहा गया कि नहीं साहब, आप किसी की संपत्ति को बिना उचित मुआवजा दिए नहीं ले सकते हैं। तो उसमें जो एक जज
मिसेस गांधी के फेवर में अपना आदेश लिखे थे, उनका नाम एन रे सर। उसके बाद 1973 में बहुत ही मशहूर केस है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 13 जजेस की बेंच, 7-6 से फैसला होता है, 24 अप्रैल 1973 को यह फैसला दिया जाता है और 24 अप्रैल 1973 को जस्ट दूसरे दिन एसएम सीकरी साहब का रिटायरमेंट, चीफ जस्टिस जो होते हैं उनका रिटायरमेंट होता है, सर्वमित्र सीकरी साहब का। और पहली बार गांधी को, मिसेस गांधी को यह मौका मिलता है और उन्होंने वो जो 7 लोगों की लिस्ट है जिन्होंने इनके ये कहा कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को सामने लाया और कहा कि नहीं साहब, जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसे आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं थ्रू आर्टिकल 368। और बेसिक स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीजें आएंगी, इस बात आएंगी, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसको समय समय से बताते रहेंगे। लेकिन जिन लोगों ने ये दिया, और सरमित्र सीकरी रिटायर होते हैं 25 अप्रैल 1973 को, और 25 अप्रैल 1973 को ही वो कहते हैं कि आई हैव गिवेन ओनली 2 आवर्स टू डिसाइड वेदर आई हैव टू बी अ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और नॉट। ये एन रे साहब का स्टेटमेंट है कि मेरे पास शाम को एक फोन आता है और कहा जाता है कि 2 घंटे में आप तय कीजिए कि आपको बनना है कि नहीं बनना है। और जब मैं एन रे के ये गॉड बायस की ही टिप्पणियों के थ्रू जब एन रे के बारे में ये पढ़ा कि अजय नाथ रे ने क्यों इसको ऐसे किया, और जब सुपर सीट किया जा रहा था शैलेट साहब को, उनके बाद नेक्स्ट सीनियर थे हेगड़े, और उसके बाद ए एन ग्रोवर साहब, और जो नौकरी की लॉन्गविटी थी वो ऐसी थी कि अगर लाइन से सारे लोग जज बनते, मतलब एस एम सीकरी साहब के बाद अगर जस्टिस शैलेट बनते, उसके बाद जस्टिस हेगड़े बनते, उसके बाद जस्टिस ए एन ग्रोवर बनते, तो पोजिशन ये बनती कि ए एन रे बीच में रिटायर हो जाते हैं। और क्योंकि जस्टिस ग्रोवर का कार्यकाल ए एन रे के कार्यकाल से लगभग 7 या 8 महीने ज्यादा था, मिसेस गांधी ने इन तीनों लोगों को दरकिनार किया, जस्टिस शैलेट, जस्टिस हेगड़े, जस्टिस ग्रोवर को, और ए एन रे साहब के बारे में ये मैसेज दिया कि अगर आप चाहते हैं तो आप अपनी कंसेंट दें। और पहली बार भारतीय न्याय में वो जो पतंजलि शास्त्री को हटा करके बाकी लोगों को बनाने की व्यवस्था थी, और सारे जजेस ने कहा कि नहीं हम रिजाइन कर देंगे, और सुप्रीम इंस्टीट्यूट में सारे जजेस का एक साथ या कलेक्टिव रिजाइन करना एक बहुत बड़ी घटना होती और हिंदुस्तान उसे बियर नहीं कर सकता था, कम से कम नेहरू जैसा प्रधानमंत्री नहीं कर सकता था। लेकिन वो परंपरा टूटी और ए एन रे ने कंसेंट दी अपनी, और जस्टिस ए एन रे 26 अप्रैल को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के लिए नामित होते हैं, और इधर जस्टिस शैलेट, हेगड़े और जस्टिस ग्रोवर ने अपना इस्तीफा दिया। गॉड बायस लिखता है कि जब मैं जस्टिस एन रे को, गॉड बायस एक ऐसे हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के स्कॉलर हैं पॉलिटिकल साइंस के, जिन्होंने इंडियन जुडिशरी पे अपना वर्क किया है और इंडियन जुडिशरी के बारे में बहुत सी बातें उन्होंने बताई है, और लगभग सभी चीफ जस्टिस और जो रिनाउंड जजेज हैं उनसे उन्होंने बात की है। 80s में वो फाइनली आए थे और काफी समय तक हिंदुस्तान में रह के रिटायर्ड चीफ जस्टिसेस, करंट जो समय सर्विस चीफ जस्टिस थे उनके साथ, और भी और लोगों के साथ, सारे लोगों के साथ उन्होंने बात करके बाकायदा टिप्पणियां लिखी हैं। उन्होंने जब ये कहा कि जस्टिस रे ने मेरे से कहा कि अगर मैं नहीं इसको कंसेंट देता तो मेरे बाद जो लोग थे वो इसको तुरंत मान लेते। और आपको बताऊं कि ए एन रे साहब के बाद जो सीनियोरिटी आती है वो जस्टिस एच आर खन्ना की आती है, और जस्टिस एच आर खन्ना के बाद जो सीनियोरिटी बाद में चलती है वो जस्टिस एम एच बेग की और एस एन द्विवेदी की, जस्टिस वाईवी चंचूण की, और बाद में तो वो उधर से आई। लेकिन अभी पहला एक सुपरसेशन भारतीय न्याय व्यवस्था में एक परंपरा का टूट जाना, क्योंकि किसी जज ने नहीं कहा जो प्यूनी जजेस थे कि हम सब इस्तीफा देंगे, इसलिए ए एन रे को सुपरसीड किया गया इन 3 लोगों के ऊपर, और ए एन रे साहब भारत के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बने। इमरजेंसी का पीरियड
आप सबको पता है कि 25 जून 1975 मध्य रात्रि से भारत में इंटरनल इमरजेंसी लागू हुई। अनुच्छेद 352 लागू हुआ। 352 के लागू होते ही जो फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू एक्सप्रेशन, सस्पेंड हो जाता है। और उसके बाद 358 का इस्तेमाल करके वो कुछ और भी फंडामेंटल राइट सस्पेंड किए जा सकते हैं जो किए गए थे, जिसमें बेसिक राइट जो था हमारा आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसको भी सस्पेंड किया मिसेस गांधी ने। और ये कहा, मीसा के अंदर जिन बंदियों को बनाया, और मीसा में ये प्रावधान था सेक्शन 16(1) में कि अगर 6 महीने से बाद मीसा को आगे किसी बंदी को उसमें उसकी कैद को बढ़ाना है तो एक कमेटी बनेगी और उस कमेटी में डिसाइड करेगी, तो वो और 6 महीने के लिए एक्सटेंड हो जाता है। मिसेस गांधी ने उस कमेटी का जो फॉर्मेशन था वो इतना कमजोर किया, जिसमें प्रावधान 3 लोगों का था, एक जो करंट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के वो होंगे, कोई एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे और एक वकील होगा। तो अब इसमें मामला ये हो गया कि अगर 2 लोग शामिल हो गए तो वो जैसा कहा, और 1.5 बरस तक उन्होंने इसको कमेटी से पास करा लिया कि नहीं, मीसा में हम किसी को इतने दिनों तक बंदी रखेंगे। अब मामला थोड़ा सा आगे बढ़ता है और एक केस आता है तमाम हाई कोर्ट्स में। ये कहा जाता है कि भाई राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को कैसे आप सस्पेंड कर सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि अदालत में किसी को कोई कोई पुलिस वाला या कोई अधिकारी, और मीसा के कानून को इतना ल्यूसिड कर दिया था, इतना नीचे तक ला दिया था मिसेस गांधी ने कि डीएम और ईडीएम के पास ये पावर था कि वो मीसा के अंदर किसी को भी बंदी बना सकते थे, और ठूंस दिया गया था। अगर आप पढ़ेंगे इमरजेंसी रिटोल्ड में कि किस तरह से फर्नांडीज के, जॉर्ज फर्नांडीज के छोटे भाई को पकड़ के पुलिस ने पीटा था, उनकी बहन के साथ जो हरकत की थी वो रोए और थर्रा देने वाली हरकत है कि किस तरह से मारा गया लोगों को। तो इमरजेंसी तो अपने आप में एक थ्रेट थी और इस लोकतंत्र के ऊपर बहुत बड़ा काला धब्बा है हिंदुस्तान के। तो अब ऐसी स्थिति में जब आपकी राइट टू लाइफ छीन ली जा रही है और एडीएम के स्ट्रोक ऑफ पेन से, तो ऐसी स्थिति में पूरे हिंदुस्तान के हाई कोर्ट्स में हेबियस कार्पस नाम की एक रिट होती है, उन 5 रिटों में, जिसमें यह कहा जाता है कि प्रोड्यूस द कॉर्पस बिफोर द कोर्ट, कॉर्पस को उपस्थित कीजिए, लाइए किसी आदमी को आप विदाउट प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाई लॉ, आप किसी भी आदमी को कैद नहीं कर सकते हैं, उसके राइट टू लाइफ को नहीं छीन सकते हैं। अब प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाई लॉ क्या है? अगर वो नहीं है तो आप कैसे किसी को बंद कर रहे हैं विदाउट एनी एडॉप्टिंग एनी प्रोसीजर और विदाउट हैविंग एनी एक्ट और कानून। अब कहानी जब आगे बढ़ी तो एक केस हुआ शिवकांत वर्सेस एडीएम जबलपुर का, और वहां से फिर हाई कोर्ट्स ने कहा कि नहीं साहब, इनको ये कंसिडरेबल मामला है और ये देखना चाहिए कि क्या फंडामेंटल राइट को हम इस तरह से, वो भी जीने के अधिकार को, कैसे हटा सकते हैं। और केस आता है सुप्रीम कोर्ट में, बहुत प्रसिद्ध केस है, हैबियस कार्पस केस के नाम से जाना जाता है। जस्टिस एचआर खन्ना के लिए यह स्वर्ण मुकुट के समान है, जिसने एचआर खन्ना, जस्टिस एचआर खन्ना का कद हम लोग के दिलों में बहुत बड़ा बना दिया, वो केस है। और उस केस का जब फैसला होता है, 5 जजेस की बेंच होती है, और मैं एचआर खन्ना की ये पुस्तक है उनकी, द रोजेज एंड द थॉर्न्स, नाइदर रोजेज नॉर थॉर्न्स, इसमें इन्होंने बड़े विस्तार से लिखा है कि किस तरह से ये प्रेशर था और वो कैसे जानते थे। उन्होंने इसमें जजमेंट डिसेंट किया था और कहा था कि नहीं, किसी के पास ये राइट नहीं है हिंदुस्तान में कि विदाउट हैविंग एनी प्रोसीजर ऑफ लॉ, एस्टैब्लिश प्रोसीजर ऑफ लॉ, आप किसी को उसकी लाइफ से या उसकी पर्सनल लिबर्टी से उसको जुदा करें या हटाएं। और नीरेंडे अटॉर्नी जनरल जब बहस कर रहे थे तो जस्टिस हंसराज खन्ना ने उनसे पूछा था कि क्या आपको पता है कि ये जीने का अधिकार जो है ये किस एक्सटेंट तक है? क्या ऐसा हो सकता है कि इस अदालत में कोई किसी को मार दे और हमारे पास कोई राइट नहीं है कि हम उसको सेव करें, या उसके पास कोई राइट नहीं है कि वो अदालत में आके अपनी बात कहे? तो नीरेंडे ने अपनी उसमें कहा कि नहीं, नहीं है, और ये राइट जब सस्पेंड है तो आप आर्टिकल 226 का और आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करके आइदर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपनी पिटीशन मूव हैबियस कॉर्पस की नहीं कर सकते हैं। और ये
थ्रिलिंग एक बात थी जस्टिस एच आर खन्ना के लिए। उन्होंने कहा कि ये तो गजब हो गया अगर ऐसा है, और उन्होंने लिखा है कि मैं उन जजेस के, अपने ब्रदर जजेस के साथ बैठ करके ये बहस सुन रहा था, और उनकी खामोशी मुझे साल रही थी यह कह देख करके कि जो बाहर तो पर्सनल लिबर्टीज के बारे में बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, हमारे जजेस करते हैं, लेकिन आज अदालत में बैठ करके हैबियस कार्पस में, और किसी आदमी के उसके जीने के अधिकार को लेकर के जो उसका हक हक है आर्टिकल 226 और 32 देता है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कैसे छीना जा सकता है। और बहुत पेनफुल उन्होंने फिर अब एक बहुत माइलस्टोन जजमेंट दिया। हालांकि बाकी चार जजेस तो ये थे कि नहीं नहीं करना चाहिए, लेकिन ये एक डिसेंट जजमेंट, ये कोई याद ही नहीं रखा। ये वाटरलू की उस लड़ाई की तरह से है कि लोगों को तो पता है कि नेपोलियन हार गया था, लेकिन जीता कौन ये किसी को नहीं पता। तो हैबियस कार्पस केस में एचआर खन्ना का नाम तो याद रहा, लेकिन वो चार जजेज और कौन थे जिन्होंने ये नहीं किया, वो नाम किसी के स्मरण में नहीं है, नहीं आता है। और एचआर खन्ना इस बात को जानते थे। उन्होंने अपनी सिस्टर से कहा था कि मैं जो जजमेंट डिलीवर करने जा रहा हूं उसके लिए मैं मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा उस कुर्सी को जो चीफ चेयर है सुप्रीम कोर्ट की, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को। और यह जानते हुए भी, लेकिन जब जस्टिस एच आर खन्ना ने अपना ये जजमेंट दिया, और 77 जनवरी की बात है, अब आप सोचिए कि 77 मार्च में इमरजेंसी खत्म करने की बात हो गई थी, लोकसभा के चुनाव की घोषणा हो गई थी, जनवरी 77 की बात इनकी थी, लेकिन इन्होंने 22 जनवरी के आसपास, इन्होंने जब इनका लास्ट डे था सुप्रीम कोर्ट में वर्किंग डे, और इनका लास्ट वर्किंग डे इस तरह से हुआ कि जस्टिस एन रे का रिटायरमेंट, और ये था कि अब एच आर खन्ना बनेंगे, मोस्ट सीनियर जज हैं, लेकिन एच आर खन्ना को नहीं बनाया मिसेस गांधी ने, एच आर खन्ना को सुपरसीड कराया जस्टिस बेग को, और जस्टिस बेग बने चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इंडिया। और इस चीज की पीड़ा में ऑब्वियसली 5 बजे ही कहते हैं, लिखते हैं कि मुझे खबर मिली रेडियो से, और इन्होंने 6 बजे ही अपना इस्तीफा लिख करके भेज दिया था कि लॉ मिनिस्टर के पास और कंसर्न जो भी ऑफिसर्स थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास कि साहब इसको वहां पे भेज दीजिए। जस्टिस एच आर खन्ना के इसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स में एक फ्रंट पेज पर एक आर्टिकल आया, और उसमें लिखा गया, लिखा उसने कि हिंदुस्तान वापस फिर कभी अगर लोकतंत्र और न्याय की तरफ वापस लौटेगा इस इमरजेंसी पीरियड के बाद, तो निश्चित तौर पे भारत की गलियों में जस्टिस एच आर खन्ना की मूर्तियां इरेक्ट की जाएंगी उनकी। कहते हैं कि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में लॉयर्स ने मिल करके ये कहा कि नहीं साहब, इनका एक तैलचित्र लगाया जाएगा कोर्ट नंबर 22 या 26 में, ये देखना पड़ेगा मुझे, और इनका एक तैलचित्र लगाया जाएगा, और उसके